डोईवाला में बजरंग दल के पूर्व जिला अध्यक्ष और हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी के पूर्व नगर अध्यक्ष ने मिलकर 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया है, जिसके बाद पूरे इलाके में लोगों के अंदर आरोपियों के खिलाफ व्यापक गुस्सा नजर आ रहा है। इस घटना के विरोध में नगर कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार का पुतला फूंका और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और कानून का डर भी खत्म होते जा रहा है। इसी का नतीजा है कि डोईवाला में बजरंग दल के पूर्व जिला अध्यक्ष और हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व नगर अध्यक्ष ने मिलकर 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दोनों आरोपियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नगर कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष करतार नेगी के नेतृत्व में घटना के विरोध में भाजपा सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष करतार नेगी ने कहा कि इस घटना में भाजपा और उसके सहयोगी दलों की मानसिकता झलकती है। हमको भाजपा से अपनी बेटियों की सुरक्षा करना है। युवा वाहिनी के जो वहाँ के जो ये बागेश्वर के नगर अध्यक्ष थे और बजरंग दल के पूर्व जिला अध्यक्ष, ये दोनों नामजद अभियुक्त इन्हीं दोनों द्वारा बागेश्वर की एक नाबालिग 15 साल की एक युवती के साथ, लड़की के साथ बहुत ही घृणित कार्य किया गया और उनका बलात्कार किया गया। और ये हमारे उत्तराखंड की इनकी भाजपा से आरएसएस के जो ये लोग हैं, इनकी मानसिकता ही हमारे हमारी बेटियों को इनको आए दिन कुछ ना कुछ। अभी एक साल पहले की घटना गीता भंडारी को जिस तरह से इन्होंने ये उत्तराखंड में जो इतना बड़ा जलजला जो आया था, और एक घटना फिर ठीक एक साल के ठीक बाद एक घटना आज फिर हमारे सामने आई है। तो हमने उसी विषय में पूरे भाजपा सरकार का, उत्तराखंड की भाजपा सरकार का पुतला दहन करने का जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक प्रोग्राम निश्चित किया गया था, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज लोग हमें भाने वाले किराए पर आए हैं। और शासन हमसे पहले यहाँ पे करीबन 3 थानों की पुलिस यहाँ पे हमें पुतला रोकने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के जो हमारे युवा साथी हैं, विधानसभा अध्यक्ष हमारे, उनके साथ हमारे NSUI के मीडिया प्रभारी, सारे NSUI और यूथ कांग्रेस की टीम द्वारा में हम आने वाले दिनों में पुतला दहन का कार्यक्रम करेंगे। चाहे पुलिस आज हमें गिरफ्तार भी कर दे, क्योंकि उत्तराखंड की बेटी को हमें बचाना है, क्योंकि इन भाजपा के लोगों से हमें नहीं लग रहा कि हमारी बेटियां बचेंगी। अभी तो बेटियों को बलात्कार करने पे उतारू हो चुके हैं, इसी परिप्रेक्ष्य आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए NSUI के नेता सावन राठौर ने कहा कि ये दुखदायी घटना है। बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, युवा वाहिनी की विचारधारा इस घटना में दिखाई दे रही है। अगर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई और पीड़ित नाबालिग को न्याय नहीं मिला तो हम सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। ईश्वर में जो बहुत ही दुख देने वाली घटना जो हुई है, वो जो बताया जा रहा है कि उनके संबंध RSS से है, और मतलब वो क्या कहते हैं, कोई दुर्गा वाहिनी के कुछ पदाधिकारी हैं और बजरंग दल के कुछ पदाधिकारी हैं। देखिए, ऐसे मतलब हम मानते हैं कि ये जो इन्होंने संगठन बनाए हैं, ये संगठन इसलिए काम करते हैं कि इनके लोग विचारधारा कैसी है। देखिए, आप विचारधारा एक 15 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, हमें बहुत दुख हो रहा है और आज हम इसका विरोध में भानियावाला तिराहे पे पुतला दहन करने आए हैं और जल्दी हम सड़कों पे उतरेंगे अगर उसको न्याय नहीं मिलता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।